अभी आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब आपको पांच राज्यों के चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें दिखाते हैं। देखिए सियासत सुपर एट, एक मिनट में राजनीति का पूरा अपडेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव करीब आते ही दिग्गज नेताओं के दौरे शुरू हो गए। इसी कड़ी में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इटावा पहुंचे। जेपी नड्डा ने यहां इटावा क्लब में मतदाताओं के साथ ही डॉक्टर से भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले इटावा से सैफई जाते भी लोग सुरक्षित नहीं थे, लेकिन पिछले पांच सालों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, लिहाजा योगी सरकार दोबारा आनी चाहिए। आप शांति चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कि नहीं? आप विकास चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? तो रास्ता एक है, सिर्फ एक, कमल कमल और कमल। जेपी नड्डा ने इटावा क्लब में लोगों से बात करने के बाद डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत की। जनसंपर्क के दौरान लोगों से बीजेपी को सपोर्ट करने की अपील की। यहां नड्डा का स्वागत करने के लिए मुस्लिम महिलाएं भी आई थी। दिल में भावनाएं हमारे यही है कि मुझे गुंडा राज नहीं चाहिए, योगी सरकार चाहिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इटावा के बाद बरेली भी पहुंचे। बरेली में भी नड्डा ने जनसंपर्क की शुरुआत की। यहां पर लोगों से बीजेपी को समर्थन देने की उन्होंने अपील की। देश के बड़े शायरों में शुमार मुनव्वर राणा ने चुनाव से पहले बड़ा बयान देकर सियासत गर्म कर दी है। मुनव्वर राणा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने सीएम योगी के कार्यकाल को इमरजेंसी से भी बुरा बताया है और कहा है अगर योगी दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो यूपी छोड़ देंगे। जबान खोलना दुश्वार है, तो इतना तो परेशान हम इमरजेंसी भी नहीं किए गए थे। वो कहते हैं कि जितने मुजरिम थे यहाँ से पलायन कर गए हैं, लिहाजा मेरा पलायन करना जरूरी है क्योंकि मैं भी मुजरिम हूँ। मुनव्वर राणा का आरोप है कि योगी जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। अपने बयान से विवादों में रहने वाले राणा ने कुछ दिन पहले भारत को सांप्रदायिक देश बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत अब धर्मनिरपेक्ष देश नहीं रहा बल्कि ये सांप्रदायिक देश हो गया है, यहाँ अब रात दिन राम की बात होती है। राणा फ्रांस में हुए हमले और तालिबान पर भी विवादित बयान दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में हर सीट पर दिलचस्प चुनावी जंग जारी है। सीएम योगी के बाद अब अखिलेश यादव और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने गढ़मुक्तेश्वर में लोगों से संवाद किया। यहां दोनों नेताओं ने गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन की अपील की। ये दोनों किसानों के बेटे हैं, किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे और इसीलिए मैं जेब में एक पोटली लेके चलता हूँ। लाल टोपी और लाल पोटली, ये अन्नदाता के पक्ष में हराने के लिए, उन्हें भगाने के लिए अन्न संकल्प लेकर के चलता हूँ। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, अगर आप में भी कोई लेना चाहे तो अन्न संकल्प ले सकता है। रविंद्र चौधरी गढ़ विधानसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी हैं। यहां अखिलेश और जयंत चौधरी ने अपने उम्मीदवार के समर्थन में 500 लोगों के साथ एक सभा का भी आयोजन किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा है। आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से पर्चा भरा और इसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरा और अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चुनौती भी दी। सिद्धू ने सत्ता नहीं हटाई, सिद्धू ने हमेशा पंजाब दे लोकां दी गल कीती, मुद्दियां दी गल कीती, मुद्दियां दे उत्ते ही खड़ा सिद्धू। अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि उन्हें उकसाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। सिद्धू ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया पर भी तीखे हमले बोले। आज भी ये सारा चोर चक्का डाकू सारा इकट्ठा हो गए, ये सिद्धू नु ढाउण नु लग्या। ओ ढा लो सिद्धू नु, कोई फर्क नहीं पैंदा, पर सिद्धू विचारधारा है। अमृतसर ईस्ट सीट पर नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। पंजाब में 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे और मतों की गिनती 10 मार्च को ही होगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। आज सिद्धू के साथ ही आम आदमी पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने भी पर्चा भरा। मान ने धूरी विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्हें उम्मीद है कि धूरी की जनता 100% समर्थन देगी। लोग बताएंगे जी, जनता बड़ी है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। केजरी साहब ने बकायदा ट्वीट करके आपको कहा भगवान करे आप मुख्यमंत्री बने, इस तरह की बधाई दी आपको। उनकी शुभकामनाएं मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। अभी कांग्रेस विधायक दलवीर सिंह गोल्डी धूरी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो फिर से इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार है। श्रोमणी अकाली दल ने इस सीट से संगरूर के पूर्व विधायक प्रकाश चंद गर्ग को खड़ा किया।
बता दें कि पंजाब में नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों को केवल 6 दिन मिले हैं। नामांकन की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू हुई है जो 1 फरवरी तक जारी रहेगी, लेकिन इस दौरान 26 और 30 जनवरी को सरकारी छुट्टी होने की वजह से नामांकन नहीं हो सकेंगे। राज्य में 20 फरवरी को वोटिंग होगी जबकि नतीजे 10 मार्च को आएंगे। गोवा विधानसभा चुनाव में पंजिम सीट की चर्चा इन दिनों बहुत तेज हो रही है। कभी बीजेपी का गढ़ मानी जाने वाली पंजिम सीट पर अब कांटे की टक्कर हो सकती है। मनोहर परिरकर के निधन के बाद ये सीट कांग्रेस के बाबुश मोन्सुरेट ने जीती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बाबुश 9 कांग्रेस विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। अब यहाँ बाबुश को मनोहर परिरकर के बेटे उत्पल परिरकर से बड़ी चुनौती मिल रही है। उत्पल परिरकर राजनीति में नए हैं, लेकिन उनका मानना है कि मनोहर परिरकर के बाद पंजिम का कुछ भी विकास नहीं किया गया। अब अगर पंजिम को और विकसित करना है तो उन्हें बाबुश को हराना पड़ेगा। मुझे उसमें चुनाव तो ये है कि ये टफ ही रहेगा, लेकिन मुझे जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है उससे उम्मीद है और विश्वास है कि पंजिम की जनता एक अच्छा उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनके लेगी। उत्तराखंड में चुनावी तारीख से पहले सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में जुटी हैं। इस बीच कोटद्वार और हरिद्वार ग्रामीण सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहां से 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों की बेटियां अपने पिता की हार का बदला लेने की तैयारी में हैं। बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी की बेटी ऋतु खंडूरी को कोटद्वार सीट से, जबकि कांग्रेस ने हरिद्वार ग्रामीण सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को मैदान में उतारा है। खंडूरी 2012 में कोटद्वार से और 2017 में हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव हार गए थे। दोनों दिग्गजों ने मुख्यमंत्री के रूप में इन सीटों से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह नेगी ने 2012 में कोटद्वार में खंडूरी को हराकर जीत दर्ज की थी। इसी तरह 2017 में हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ने वाले हरीश रावत बीजेपी के स्वामी यतीश्वरानंद से हार गए थे। जो बात इस मुकाबले को और दिलचस्प बनाती है वो यह है कि दोनों बेटियों का मुकाबला उन्हीं नेगी और यतीश्वरानंद से है जिन्होंने उनके पिता को हराया था। 5 राज्यों में चुनावी मौसम के बीच देश में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की एंट्री हो गई है। जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इजरायली स्पाईवेयर पेगासस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने 2017 में एक डिफेंस डील में मिसाइल सिस्टम के साथ इसे खरीदा था। ये डील $2 बिलियन की थी। अब इस खुलासे के बाद सियासत भी तेज हो गई है। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फोन टैप करके सत्ता पक्ष ने विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। ये देशद्रोह है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि मोदी सरकार ने भारत के दुश्मनों की तरह काम क्यों किया और भारतीय नागरिकों के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल किया। विपक्ष के हमले के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को सुपारी मीडिया करार दिया और उसकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि क्या आप NYT पर भरोसा कर सकते हैं? उसे सुपारी मीडिया के रूप में जाना जाता है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।